अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूं कि आपके साथ नींबू का अचार बहुत टेस्टी और यमी और बिना ऑयल के बिना धूप दिखाए आप इसको सालों तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं, चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो नींबू का अचार बनाने के लिए 1 kg मैंने नींबू लिए हैं और इन्हें कटिंग कर लेना है। मैंने इसे धो लिया और इसको पंखे में डालकर खुश कर लिया। अगर धूप आपके यहाँ आती हो तो आप धूप में थोड़ी देर डाल दीजिए ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। और इसको इस तरह से इसके 4 टुकड़े अगर बड़े नींबू हैं और अगर छोटे हैं तो आप जो है 2 नींबू कर लीजिए। इसे इस तरह से जो है रस निचोड़ते रहिए, इस तरह से नींबू काटते रहिए और इसमें रस निचोड़ते रहिए। इसी तरह सारे नींबू को हमें अच्छे से कटिंग कर लेना। जितने भी नींबू हैं, बड़े हमारे नींबू हैं तो मैं 4 टुकड़े कर रही हूँ, और अगर आपके पास छोटा साइज़ हो जैसे ये वाला साइज़ तो इसके 2 कर सकते हैं। तो सारे नींबू को हमने अच्छे से कटिंग कर लिया और नींबू का रस मैंने पूरा नहीं निचोड़ा है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा रस निचोड़ना है, बहुत नहीं, थोड़ा इसी में रहने देना है। इससे क्या होगा, जब हम नमक डालेंगे और नींबू का रस होगा तो साथ में गलने में आसानी रहेगी। तो क्या है ना, बिना ऑयल के हम ये बनाने वाले हैं। इसमें ऑयल बिल्कुल, देखिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं और ये 3, मैं 3 जो है ये टीस्पून जो है नमक डाल दूँगी। नमक की मकदार थोड़ी ज़्यादा रहेगी और इन्हें करेंगे मिक्स और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। तो ये टर्मरिक पाउडर डालेंगे ना, तो इससे जो एक तो हमारी स्किन वगैरह के लिए भी अच्छी होती है और अचार में ये अच्छा भी लगता है। तो सबको अच्छे से हमें कर देना है मिक्स। तो नमक और ये देखिए नींबू का रस है इसके अंदर, ये नींबू का रस यही हमारे जो है इसके छिलकों को गलाएगा। तो इसमें अगर हम जो है नींबू का रस डाल ही रहे हैं और थोड़ा सा अगर विनेगर भी डाल देंगे तो ये जल्दी गल जाएगा, और ये बिना धूप के बना सकते हैं। तो बारिश में क्या होता है, नींबू बहुत सस्ते आते हैं और इसको जो है सस्ते होने की वजह से आप नींबू का अचार बना, लेकिन धूप नहीं होती है तो उस वक्त धूप की वजह से आप नींबू का अचार धूप में नहीं रख सकते। तो ये बिना धूप और बिना ऑयल के बनाएंगे, यानी कि बिना धूप के बना सकते हैं आप, धूप में रखने की कोई ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली पाउडर और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लेंगे और मैं लेंगी इसमें भर भर के ज़ीरा, भुना पिसा ज़ीरा है ये मैं 2 टीस्पून लेंगी क्योंकि ज़ीरे का जायका इसमें बहुत ज़बरदस्त निकल कर आता है। तो फिर क्या करना है, इसे हमें अच्छे से फिर से मिक्स कर देना है। तो इसमें अब शामिल करेंगे हींग। हींग हम इसमें जो है 1 टीस्पून करीब डाल देंगे, जिसमें हींग थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो इसमें हींग की मकदार आप कम ज़्यादा, अगर नहीं पसंद करते हींग तो मत डालिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे मसाले हमारे पेट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, पेट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नींबू तो आप जानते हैं इसके गुड़ कितने होते हैं, कि कैल्शियम इसमें बहुत होता है, तो विटामिन सी की वजह से इसे नींबू का अचार हमारे लिए बहुत हेल्दी। साथ ही मैं बिना ऑयल के बना रही तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो 2 टीस्पून मैंने धनिया, जो साबित धनिया होता है, उसे भून कर इसको ग्राइंड कर लिया मिक्सी जार में, इसे शामिल करेंगे। इससे क्या होगा ना, ये धनिया की खुशबू बहुत अच्छी अचार में आती है। अच्छा, आप इसमें कलौंजी भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें लहसुन साबित डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन सबको थोड़ी देर आप धूप को दिखा के ही डालिएगा ताकि पानी की नमी ना रहे। और अब ये देखिए हमारा अचार इसमें पन्नी में डालने के लिए तैयार है। इस तरह से हमें पूरी बरनी भर देनी है, हमारी 2 बरनी आएंगी क्योंकि मैंने 1 kg जो है लिया था और मसाले डाले, मेरा ज़्यादा ही हो गया है। तो हमारे पास 2 बरनी है, मैं उसमें डाल देती हूँ। आपके पास अगर ये बरनी हमारी छोटी है, बड़ी बरनी में एक में भी डाल सकते हैं। तो एक हो गई है, मैं दूसरी भर लेती हूँ इस तरह से। तो दोनों बरनी हमारी भर गई हैं और मैं इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देती हूँ। सिरका आपके पास जो भी हो, जामुन का हो, गन्ने का हो, वाइट विनेगर हो, जो भी चाहें डाल। इसमें हम ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे जो है धूप में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो धूप में रख सकती हैं अगर आती हो, वरना ये बिना धूप के ही 8 दिन में बिल्कुल गल के तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे बंद करके बस यहीं रख देती हूँ। नींबू का अचार हमारा बनकर तैयार है, कम मसालों में बहुत टेस्टी और साथ में बिना धूप के आप बना सकते हैं और बिना ऑयल के, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है, सारे मसाले हमारे हेल्दी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर हमारी बनाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।